युगो युगो से चल रहा है मेल। ग्रह नक्षत्रों का सब है खेल, ब्रह्मांड में ग्रह रोज बदलते हैं अपनी चाल। आइए जानते हैं आज कौन सी राशि होगी माला माल। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं स्वामी राजर्षि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। 10 वर्ष की आयु से ही मैं अपने पूज्य पिता श्री गुरु रजनीश ऋषि जी के निर्देशन में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एवं दंत ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहेगा आज आपका दिन, क्या करें क्या ना करें, किन चीजों से सावधान रहना है, यह सब जानने के लिए आखिर तक देखते रहिए आज का राशिफल। जिन भी भक्तगणों ने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो उन तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें, कमेंट करें। आज 30 दिसंबर 2019 दिन सोमवार पौष मास का शुक्ल पक्ष चल रहा है और आज चतुर्थी तिथि दोपहर 1:55 तक रहेगी और उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी। आज अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर 12:43 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आज राहु काल सुबह 8:34 से लेकर 9:50 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य को करने से आप सभी लोग परहेज करें। प्रिय भक्तगणों, आने वाला नववर्ष 2020 आपके लिए और आपके परिवार के सभी सदस्यों के लिए मंगलमय रहे, सुख शांति और समृद्धि लेकर आए, इस कामना के साथ हम अपने शनि मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन कराने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2020 को होगा। इस यज्ञ में भागीदार बनने के लिए यदि आप इच्छुक हैं तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और इस यज्ञ में भाग लेकर अपने और अपने परिवार के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। आइए अब जानते हैं कि मेष यानी कि एरीज राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज आपके सहकर्मी ही आपके विरोध हो जाएंगे और आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। आज आपके बॉस से भी आपको डांट फटकार मिल सकती है, परंतु भाग्य आज आपका साथ दे रहा है जिसकी सहायता से आज आप परेशानियों से निकल सकते हैं। बस आपको जरूरत है कि आप संयम से काम लें और ध्यान पूर्वक अपने कार्यों का निर्वाह करते रहें। आज आप वर्क प्लेस की पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो, अन्यथा आपको अपमानित होना पड़ सकता है। आज आपके भाई बहनों के साथ भी आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। आज भूरी गाय की सेवा करना आपके लिए फायदेमंद होगा। आज आप अपने आप सर को ढक कर रखें और टोपी पहने। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। तो आइए अब जानते हैं कि आज का दिन वृषभ यानी कि टॉरस राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। यदि आप अभी तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो अभी के लिए उसे टाल दें, क्योंकि आज तीर्थ यात्रा करने से आपको फल प्राप्त नहीं होंगे और आपकी यात्रा में भी अड़चने उत्पन्न होंगी। आज आपको विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आज आप किसी दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। यदि आज यात्रा करना अत्यंत आवश्यक ना हो तो उसे टाल दें। ड्राइविंग करते हुए भी अत्यंत सावधानी बरतें और सभी नियम कायदों का पालन करें, अन्यथा जल्दबाजी के चक्कर में आप अपनी ही जान को जोखिम में डाल लेंगे। आज आपको रात में चैन की नींद लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और बुरे सपने आने से आज आपकी नींद बार बार भंग होगी। आज आप मीठा भोजन करें और मीठे चावल या मिठाइयां बच्चों को बांटें। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मिथुन यानी कि जेमिनी राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज वर्क प्लेस पर आपको नेतृत्व दिखाने का मौका मिलेगा और आप किसी प्रोजेक्ट के टीम लीडर भी नियुक्त हो सकते हैं। आज आपको जरूरत है कि आप सावधानी से अपनी टीम का चयन करें और अपने सभी टीम मेंबर्स के बीच में भरोसा कायम करने की कोशिश करें। एक टीम लीडर होने के नाते यह आपका फर्ज है कि आप अपने सभी टीम मेंबर्स में आत्मविश्वास जगाएं और आपसी तालमेल को बेहतर करने के प्रयास करें।
टीम लीडर के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह करने से आज आपके करियर ग्रोथ के नए ऑप्शंस खुलेंगे और आपको बॉस से भी रिकॉग्निशन मिलेगा। दूध और पानी से संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को भी आज विशेष तौर पर मुनाफा कमाने का अवसर प्राप्त होगा और उनके व्यापार में तेजी आएगी। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, आज उनको किसी बड़े राजनेता से मुलाकात करने का अवसर प्राप्त होगा और पॉलिटिक्स में एंट्री के आपके रास्ते खुल जाएंगे। आज काले कुत्ते की सेवा करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। मिथुन राशि वालों, अगर आप संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट जल्द से जल्द धारण अवश्य करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कर्क यानी कि कैंसर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। लोहा और कोयला व्यापारियों को आज विशेष तौर पर धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आज आपके लिए बहुत अहम है कि आज आप अपने कस्टमर्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि इसी पर आपके व्यापार का भविष्य टिका हुआ है। आज आपको अपने कस्टमर्स को खुश रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए और प्रायोरिटी से उनके ऑर्डर्स कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। आज किसी अच्छे घर परिवार से संबंध रखने वाली महिला से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आगे चलकर आपकी विश्वास पात्र बन जाएगी। आज रात को दूध पीने से परहेज करें, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंह यानी कि लियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आप धर्म धर्म के कार्यों में भाग लें और यदि हो सके तो अपने घर पर भी धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करें। आज सच्चे मन से भगवान को याद करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप मन वांछित फल प्राप्त करेंगे। आज का दिन विशेष तौर पर छात्रों के लिए शुभ है जो मैथमेटिक्स अर्थात गणित पढ़ते हैं। आज आप गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लेंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ेगा। आज उन छात्रों को भी गणित को समय देना चाहिए जो किसी वजह से गणित को मुश्किल समझते हैं या उसमें रुचि नहीं लेते हैं। पर स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक आज वे पढ़े उसे कंप्लीट करने के बाद ही उठें, अन्यथा वह टॉपिक बहुत लंबे टाइम के लिए लटक जाएगा। आज यदि आप झूठ बोलते हैं तो समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। आज प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको सिंदूर चढ़ाना और लड्डुओं का भोग लगाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कन्या यानी कि वर्गो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज अपने बच्चों का स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपकी मानसिक चिंताएं बढ़ जाएंगी और डॉक्टर्स इत्यादि के चक्कर में पड़कर आज आपका समय व्यर्थ हो सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे सदैव स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, जिस कारण वे अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहे हैं, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपने बच्चों की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके बच्चे सदैव स्वस्थ रहेंगे। आज आपके मित्रों के साथ भी आपकी अनबन बनी रह सकती है और व्यर्थ की बातों पर विवाद होने से आपका कोई पुराना दोस्त आपसे नाराज होकर जा सकता है। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने मित्रों के साथ किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें। आज आपके धन के घटते भंडार भी आपकी चिंताओं का कारण बनेंगे। आज घर में तंदूर का प्रयोग करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। कन्या राशि वालों, अगर आप अपने आप को अनलकी महसूस करते हैं, आपका भाग्य आपको बार बार धोखा दे जाता है, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं
तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 1 स्टार देता हूँ। भक्तगणों, इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपका या आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ पा रहे हैं, या नौकरी मिलने में समस्या हो रही है, या नौकरी तो मिल गई है पर प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, इनकम से ज्यादा खर्चा हो जाता है, ट्रांसफर हो रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, या आपका अपना घर नहीं बन पा रहा है, आपका जो व्यापार है उसमें वृद्धि नहीं आ पा रही है, आपके पास धन की कमी बनी रहती है, या आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, आप हर समय बीमार रहते हैं, या आपके बच्चे बीमार रहते हैं, या अन्य ऐसी किसी भी समस्या से आप पीड़ित हैं, तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर, हमारी वेबसाइट पर जाकर, या ईमेल के माध्यम से, या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के द्वारा गुरु रजनीश ऋषि जी से, या गुरु मां रुक्मणी जी से, या आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक छोटी सी फीस जरूर देनी होगी, जिसका प्रयोग शनि पीठ मंदिर की व्यवस्था चलाने के लिए, हमारे द्वारा गरीब लड़कियों के लिए फ्री कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाने के लिए, कर्म के काम जैसे कि यज्ञों महायज्ञों के आयोजन के लिए, प्रसाद एवं लंगर के वितरण के लिए किया जाता है। आपके द्वारा दी गई इसी फीस में से हम अगले दिन प्रमुख रूप से आपके नाम से आपके लिए पूजा अवश्य करते। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तुला यानी कि लिब्रा राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका लाइफ पार्टनर आपको अत्यंत क्रोधी प्रतीत होगा, इसलिए ऐसा हो सकता है कि आज आपको उनको शांत करने के एफर्ट्स करने पड़े, पर अगर आप उनके गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे तो ये आप दोनों के रिश्ते पर भारी पड़ सकता है और इससे किसी का भी भला नहीं होगा। तो इसलिए आज आपको स्वयं को भी शांत रखना है और अपने पार्टनर को भी शांत करने के प्रयास करने हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आए दिन आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो जाता है और आपके गृहस्थ जीवन में सदा कलेश का माहौल बना रहता है, तो तुरंत ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क करें और गुरु रजनीश ऋषि जी या गुरु मां रुक्मणी द्वारा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली दिखवाकर ऐसे उपाय प्राप्त करें जिनसे आपके प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आज आप किसी भी कार्य को आरंभ करें तो उससे खत्म अवश्य करें, अन्यथा वह सदा के लिए इनकम्प्लीट रह जाएगा। यदि आपका आज अदालत में कोई जमीन से संबंधित मुकदमा चल रहा है और आज उसका फैसला आने वाला है तो यह फैसला आज आपके विरुद्ध आ सकता है। आज दूध से बना मीठा हलवा बनाकर बच्चों में बांटना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। यदि आज आपके मित्र किसी मुसीबत में पड़े हुए हैं तो आज आप उनका साथ निभाएं, इससे आप उनके विश्वास पात्र बन जाएंगे और वह कभी भी जीवन में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज आपके द्वारा सहायता करने से वह अपनी इन मुसीबतों से बाहर निकल आएंगे। यदि आप समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आज सरकार की ओर से भी आपके एफर्ट्स के लिए आपको मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। आज नया वाहन लेने के लिए दिन उत्तम है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आज उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आज अपने घर में चांदी का चौकोर टुकड़ा लाकर अपनी तिजोरी में रखने से आपके धन के भंडारों में वृद्धि होगी। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धनु यानी कि सैजिटेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज बैंक कर्मचारियों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। आज आपको कोई बोनस या इंक्रीमेंट प्राप्त हो सकता है। जो भी लोग बैंक में नौकरी पाने के लिए पिछले कई दिनों से प्रयास कर रहे थे, आज उनकी मेहनत रंग ला सकती है और उनको इंटरव्यू का मौका मिल सकता है। आज हालात चाहे आपके कितने भी विपरीत हो जाएं, आप डटे रहेंगे और हर मुसीबत का सामना करके उससे बाहर आ जाएंगे। आज आपको अपने मामा जी के घर से कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा उनका स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण आज आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। आज व्रत रखना और हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। धनु राशि वालों, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं
कि आपकी आमदनी कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित हीरे की अंगूठी या उसका सब्स्टिट्यूट अवश्य ही धारण करना चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वह चमत्कारी उपाय जिसे करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके किसी भी इंपॉर्टेंट कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। आज प्रातः काल उठकर पवित्र होकर दुर्गा माता की उपासना करें और उसके पश्चात किसी ऐसे मंदिर में जाकर जहां पर भी मां दुर्गा की प्रतिमा हो आप उनके चरणों में एक मिट्टी का बना शेर अर्पित करें। यदि आप आज इस उपाय को श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आप अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपको अपने साहस का परिचय देने का मौका मिलेगा जिस कारण आप सभी लोगों की प्रशंसा का पात्र बनेंगे। आज आपके पितृ पक्ष का कोई व्यक्ति ही आपकी सहायता करेगा जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आज का दिन रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बहुत ही शुभ है और आज आपको आम दिनों की तुलना में दुगने कस्टमर्स मिलेंगे और आपका मुनाफा भी बहुत अधिक होगा। लव लाइफ के मामले में आज आपका पार्टनर खुद को भाग्यशाली महसूस करेगा कि उसको आपके जैसा सच्चे दिल का व्यक्ति जीवन साथी के रूप में मिला है। आज आपके लाइफ पार्टनर आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको खुश रखने का हर संभव प्रयास करेंगे। आज अपनी छाती में दर्द होने के कारण आप परेशान रह सकते हैं। आज सफेद या लाल वस्त्र ही धारण करें यह आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 3 स्टार देता हूं। चलिए अब जानते हैं कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा। आज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही आपका परमास्त्र है और यही आज आपको हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। इसलिए आज आपको जरूरत है कि आप अपने आप पर डाउट ना करें और अपने परिश्रम में कोई कमी ना आने दें। आज आपके शत्रु भी आपसे डरकर भागेंगे क्योंकि यदि वे आपका सामना करने की कोशिश करते हैं तो उनको मुंह की खानी पड़ेगी। आज ना तो सीमित साधन और ना ही आपकी शत्रु की कोई योजना आपके कार्यों में बाधा डाल पाएगी। जो भी लोग पुलिस या फौज में कार्यरत हैं आज उनके लिए दिन बहुत ही शुभ है और आज आपको अपने साहस के बल पर अपनी पुलिस फोर्स या बटालियन का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। आज आपके ससुराल पक्ष से भी आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आज हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को विशेष तौर पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि आज रक्तचाप बढ़ने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में मृगशाला का उपयोग करने से आज आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 4 स्टार देता हूं। आइए अब जानते हैं मीन यानी कि पाइसेस राशि वाले जातकों का राशिफल। आज यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हैं तो यह विचार उत्तम है और आज तीर्थ यात्रा करने से आपको अत्यंत शुभ फल प्राप्त होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज आपके धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि बढ़ेगी। आज आपके आध्यात्मिक गुरु आपको ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी काम आएगा, इसलिए आज आप अपने गुरु की सेवा करें और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। स्टूडेंट्स को आज जरूरत है कि यदि उनको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो वे अपने अध्यापकों के पास जाकर अपने डाउट्स को क्लियर करें। यदि आप अपनी हिचक को दूर करके अपने अध्यापकों के पास जाकर सवाल पूछते हैं तो इससे आपके अध्यापक आपसे प्रसन्न होंगे। आज छोटे बच्चों को फल वितरण करने से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। मीन राशि वालों, अगर आपकी अपनी कार नहीं है और आप अपने सपनों की कार जल्द से जल्द खरीदना चाहते हैं तो आपको अपने हाथ में एक मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित पन्ने की अंगूठी अवश्य ही धारण करनी चाहिए। यदि आप स्वयं गुरु रजनीश ऋषि जी द्वारा अभिमंत्रित अंगूठियों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी ही स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर
हमें संपर्क कर सकते हैं। किसी भी रत्नों की अंगूठी को खरीदने से पूर्व आपको अपनी कुंडली का अध्ययन किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर द्वारा अवश्य ही करवा लेना चाहिए। और यदि आप हमसे ज्योतिष परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज का आपका राशिफल देखते हुए मैं आपको 2 स्टार देता हूं। हमारे वेदों, पुराणों, धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्रों पर आधारित उपायों को और अधिक जानने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहें।